Good morning, dear students. So this is the video where we will be discussing the new chapter, non-profit organization. Let us start with the meaning of non-profit organization. Non-profit organization, इसको हम लोग NPO भी बोलते हैं शॉर्ट में. Non-profit organizations are those organizations which are set up and run not to earn profits but to serve the society. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि बनाई जाती है प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सोसाइटी को, अपने लोगों को सर्व करने के लिए, हेल्प करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, रतन टाटा ट्रस्ट और एनी अदर स्कूल्स, रिलीजियस प्लेसेस सच एज टेम्पल, मॉस्क, चर्च, गुरुद्वारा, पब्लिक हॉस्पिटल्स सच एज SRN, यूनिवर्सिटी, पॉलिटिकल पार्टीज सच एज बीजेपी, कांग्रेस एक्सेट्रा, आर्मी एंड पुलिस एक्सेट्रा, ये सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम करते हैं, सेटअप होते हैं, बट द मोटिव इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट बट टू हेल्प द सोसाइटी. फॉर एग्जाम्पल, पुलिस इज देयर फॉर आर प्रोटेक्शन, फॉर आर सेफ्टी. आर्मी इज प्रोटेक्टिंग अस ऑन द बॉर्डर्स. देन पॉलिटिकल पार्टीज आर वर्किंग इन आर फेवर. पब्लिक हॉस्पिटल्स और द गवर्नमेंट हॉस्पिटल सच एज मेडिकल हॉस्पिटल, बेली हॉस्पिटल एक्सेट्रा आर हेल्पिंग द नीडी पीपल एंड दे आर वर्किंग फॉर देयर वेलफेयर एक्सेट्रा. सो दीज आर द सर्टेन एग्जाम्पल्स ऑफ NPO और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. देन देर आर सर्टेन टाइप्स इन विच NPO कैन बी फॉर्म्ड. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग टाइप की तरह सेटअप हो सकता है. द नंबर वन टाइप इज सोसाइटीज, सेकेंड टाइप इज ट्रस्ट एंड थर्ड टाइप इज नॉन प्रॉफिट कंपनीज. थ्री टाइप्स आर देयर, सोसाइटीज, ट्रस्ट एंड नॉन प्रॉफिट कंपनीज. लेट अस डिस्कस दीज टॉपिक्स इन डिटेल. सोसाइटीज. सोसाइटीज आर अ ग्रुप ऑफ 10 और मोर persons हु एसोसिएट voluntarily. वॉलेंट्री का मतलब होता है कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा, आप अपनी मर्जी से एसोसिएट हो रहे हैं. And register it under the Cooperative Societies Act 1912. ये एक act है, एक law है, जिसके under different NPOs को जब वो society की तरह register होते हैं तो अपने आप को enroll करवाना पड़ता है. To protect and to promote their common interest. Society is the first type of NPO. इसमें क्या होता है? Minimum 10. So a group of 10 or more, 10 या 10 से ज़्यादा लोग अपनी मर्जी से फॉर्म करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन और अपने आप को कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के अंडर रजिस्टर करवाते हैं. किस लिए? जो भी मेंबर्स हैं उस सोसाइटी के, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके वेलफेयर के लिए एक्सेट्रा. फॉर एग्जांपल, प्रोड्यूसर ऑफ अमूल ब्रांड द मिल्क प्रोडक्ट, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सोसाइटी. Second topic which we are discussing is the second type of NPO, that is trusts. Trusts are set up to further, or we can say to promote, social causes, help social causes such as public health and education. It is formed when a rich person or entity transfers property in cash or kind and a trust agreement is executed. ट्रस्ट क्या है? ट्रस्ट एक ऐसा टाइप का एनपीओ या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो सोशल कॉजेस को हेल्प करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए बनाया जाता है, जैसे कि पब्लिक हेल्थ के लिए या एजुकेशन के लिए एक्सेट्रा. एक ट्रस्ट कब बनता है? जब कोई एक रिच पर्सन, जिसके पास सफिशिएंट वेल्थ है, जब वो कोई रिच पर्सन या एंटिटी अपनी प्रॉपर्टी को, चाहे वो कैश में, चाहे वो किसी प्रॉपर्टी को काइंड में, किसी चीज के रूप में, जब वो ट्रांसफर कर देता है और एक ट्रस्ट अग्रीमेंट बनता है, दैट इज द पार्ट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. फॉर एग्जाम्पल, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट ऑफर्स स्कॉलरशिप्स टू स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी फॉर परस्यूइंग हायर एजुकेशन एक्सेट्रा. ये ट्रस्ट एक एग्जाम्पल है जो कि स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करता है उन स्टूडेंट्स को जो वीकर सेक्शन से आते हैं या पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से आते हैं, ताकि वो अपने हायर एजुकेशन को आगे परसू कर सकें.
थर्ड टाइप ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज नॉन प्रॉफिट कंपनीज. अ नॉन प्रॉफिट कंपनी इज अ कंपनी दैट इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 फॉर पर्पजेज अदर देन अर्निंग प्रॉफिट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग देम टू इट्स मेंबर्स. नॉन प्रॉफिट कंपनी एक तरीके की कंपनी ही है, लेकिन वो उसका मोटिव प्रॉफिट ना हो करके अपने मेंबर्स को हेल्प करना है. और एक ऐसी कंपनी है जो हमें रजिस्टर, अगेन इसे भी रजिस्टर कराना पड़ता है सोसाइटी की तरह, बट सोसाइटी रजिस्टर होती है अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912, बट कंपनीज रजिस्टर होता है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013. और व्हाट इज द रीजन फॉर पर्पजेज अदर देन अर्निंग प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट अर्न करने को छोड़ के ये मोटिव नहीं होता है, रादर उनका मोटिव होता है अपने मेंबर्स की हेल्प करना. फॉर एग्जाम्पल सुलभ इंटरनेशनल, इट इज अ नॉन प्रॉफिट कंपनी, इट इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 एंड इट वर्क्स फॉर प्रमोटिंग ह्यूमन राइट्स, एनवायरमेंटल सैनिटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट एक्सेट्रा. सुलभ इंटरनेशनल एक एनपी नॉन प्रॉफिट कंपनीज का एग्जाम्पल है और इसका काम है ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, एनवायरमेंटल सैनिटेशन को एंड वेस्ट को मैनेज करना एक्सेट्रा. तो ऐसे ही और भी नॉन प्रॉफिट कंपनीज के एग्जाम्पल्स हैं. सो हियर वी हैव डिस्कस्ड द थ्री टाइप्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटीज मीनिंग एन एग्जाम्पल, ट्रस्ट मीनिंग एन एग्जाम्पल एंड नॉन प्रॉफिट कंपनीज मीनिंग एन एग्जाम्पल. As you can see, there are some more examples of non-profit organizations. Indian Red Cross, it's a society. Ajim Premji Foundation, Child Relief and You, that is CRY, HelpAge, and All India Institute of Medical Sciences, that is AIIMS. This is the assignment which you have to do in your commerce registers. These are the assignment with the questions based on the topics which we have covered in this video. The first question is define non-profit organization. A non-profit organization is an organization which works for the purpose of helping its members and not for earning profit. Second question, state any 10 examples of non-profit organization. The examples can be Red Cross Society, AIIMS, Rotary Club, temples, mosque, gurudwaras, church, school, government hospitals, etc. And third question which you have to do is write short notes on. The first topic is trust. A trust is an organization which is formed when a rich person or entity transfers his property either in cash or in kind, and a trust agreement is executed with the motive of helping the society and not earning profit. For example, Ratan Tata Trust or Sir Dorabji Tata Trust, which aims to help the weaker section students for pursuing higher education. Secondly, you have to write short note on non-profit companies. These are the non-profit organizations which are registered as companies under the Companies Act 1956. It was earlier, which is now amended as Companies Act 2030. Here they are working as a company with the motive of helping its members and not for the profit motive. For example, Sulabh International, it works for helping in waste management, environmental protection, etc. And the third topic which you have to write short notes on is societies. Societies is what? It is a group of 10 or more persons who come together voluntarily, apne marzi se, who come together voluntarily and they form a society. They get themselves registered under the Cooperative Societies Act 1912 and they work with the motive of promoting their common interest and not for profit motive. For example, the producer of Amul brand milk product is working as a society. So these are the questions which you have to answer in your registers. Thank you, children. Revise the word